Abhishek or Aishwarya, according to you, the better actor? Abhishek. All right. Abhishek or Aishwarya, the tougher parent? Eshwarya. All right. Who are you most scared of, your wife or your mother? My mother. Wife. Okay.

क्वेश्चन किया लोग कहने लगे की क्यों स्वेता को इतनी कम एज में शादी करवाया गया उनको बॉलीवुड में क्यों लॉन्च नहीं किया गया एंड ऑल अब इसके पीछे ना बच्चन फैमिली का फाइनेंशियल क्राइसिस था अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन कंपनी की वजह से उनको काफी लॉस हुआ था तो उन्होंने श्वेता बच्चन की शादी बिजनेसमैन निखिल नंदा के साथ फिक्स किया अब निखिल नंदा कम्स फ्रॉम अ अल्थी फैमिली बैकग्राउंड ग्राउंड ऑल्सो निखिल नंदा की जो मदर है रितु नंदा शी इज द डॉटर ऑफ राज कपूर सो दे आर क्लोज टू द कपूर फैमिली फैमिलीज तो इसीलिए श्वेता के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जल्दी जल्दी में उनकी शादी करवा दी गई इन नाइन से ंदा एंड इन दर टू थाउजेंड शी गेव बर्थ टू हर सन अगस्तिया नंदा लेकिन फिर धीरे धीरे स्वेता और निखिल के मैरेज में प्रॉब्लम आने लगे एंड श्वेता ज्यादातर अपने पेरेंट्स के घर रहने लगी अब उनके मैरेज में क्यों प्रॉब्लम आने लगी इसका एक्सैक्ट रीजन तो नहीं पता बट लोगों का मानना है की इसका रीजन है अभिषेक और करिश्मा का एंगेजमेंट का कैंसिल होना सेट निखिल नंदा बिलोंग टू द कपूर फैमिली फ्रॉम हिस् मदर साइड एंड कपूर और बच्चन के रिलेशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अभिषेक और करिश्मा का शादी फिक्स कर दिया गया था लेकिन फिर करिश्मा कपूर के मध्य ने शादी करवाने से मना कर दिया तो इसलिए कपूर और बच्चन फैमिली का रिलेशन भी खराब हो गया जिसका असर स्वेता के मैरिड लाइफ में देखने को मिला अब स्वेता तब तक एक हाउस वाइफ थी she was not involved in the industry, लेकिन जब उनका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था और वो ज्यादातर के घर रहने लगी शी डिसकिंग वुमन शी स्टार्टेड राइटिंग जर्नल एंड कॉलम्स फॉर द वर्ग इंडिया मैगजीन ऑल्सो उन्होंने कुछ ब्रांड के लिए मॉडलिंग भी स्टार्ट किया विद हेल्प ऑफ अर पेरेंट्स मतलब पहले जो लाइम लाइट से दूर रहती थी ना वो अब चेंज हो रहा था इंटरव्यूज एंड अवार्ड शोज parents. Also in 2018, Shweta launched her fashion brand MXS. Now we all know how arrogant is Jaya Bachchan. अगर आप उनका interviews देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो कितना arrogant और dominating है. When Ashwarya got married to Abhishek, she was way more successful than Abhishek. And not only Abhishek, वो घर के बाकी female members, means Shweta और Jaya से भी ज़्यादा successful थी. और ये शायद उनको उतना अच्छा नहीं लगा था. Like अगर आप normal Indian family भी देखोगे, तो daughter in law जब घर के बाकी लोगों से ज़्यादा successful होती है, वो उनके in laws को उतना अच्छा नहीं लगता. They feel insecure and

हो जाती है और वो अभिषेक को कवर अप करने की कोशिश करती है इज द रियक्शन लाइक यू कर्व लाइक दिस दिस इज स्पेशल दिस इज लंदन I mean obviously as a partner she should 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 support him, but Abhishek also should accept that his wife is more successful and he should be proud of that. So obviously इससे पता चलता है कि she is नॉट used टू hear दिस बैग उनके घर पे उनके सक्सेसफुल होने को लेके कोई बात ही नहीं करता या फिर उनको इनसे करवाया जाता है और अगर आप स्वेता बच्चन की बात करो शी इज नथिंग कम्पेयर टू अश्वे एंड जो भी उन्होंने अचीव किया है इट इज बिकॉज ऑफ आयर फादर एंड ज वर्ल्ड मोट ब्यूटीफुल वुमेन स्वेता इन चीजों से काफी इनसिक्योर लगती है स्वेता की नव्या, नंदा के जब स्वेता और जया बच्चन एज अ गेस्ट आते हैं तो वो कभी भी ऐश्वर्या को मैंशन नहीं करते है अगर आप एक पावरफुल्फ मेड वोमन की बात कर रहे हो तो आपके घर में तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तो आप उनको क्यों नहीं मैं इनफेक्ट नव्या के पॉडकास्ट में कभी ऐश्वर्या को एस ए गेस्ट इन्वाइट किया ही नहीं गया सो इससे पता चलता है

ऋतिक शाहरुख अक्षय आमिर बट वी ऑल नो ऐश्वर्या बेटर हिस्ट्री विद सलमान तो ऐसे बार बार सलमान का नाम लेनाश के लिए काफी इंसल्टिंग है एंड इससे पता चलता है जब तक श्वेता अपने हस्बैंड के घर पे थी तब तक ऐश्वर्या सिर्फ जया के बिहेवियर को टॉलरेट कर रही थी लेकिन जब श्वेता भी शिफ्ट होगी उनके साथ अब तो उनको दोनों को टॉलरेट करना पड़ता है और जितना एरोगेंट और इनसिक्योर ये मदर डॉटर डो लगते हैं न ऐश्वर्या आई डों कोई भी इंडिपेंडेंट सेन लिव विद और अगर आप ऐश्वर्या को भी नोटिस करोगे ना तो इट सीम्स लाइक शी हेज बिकेम वेरी इनसिक्योर अगर आप उनका पब्लिक अपियरेंस देखोगे तो शी ऑलवेज माइन द सेम वे और उनकी स्माइल काफी फेक भी लगती है एंड ऑल्सो अगर आप ऐश और उनके डॉटर को देखोगे तो दे ऑलवेज होल्ड अदर एंड वो रेस्ट ऑफ द बच्चन फैमिली से काफी डिस्टेंट रहते हैं होल्डिंग योर डॉटर हैंड इज इज नॉट अ बैड थिंग बट अगर आप उनका बिहेवियर देखोगे तो इट सीम्स लाइक शी टू मच डिपेंडेंट ऑन हर डॉटर फॉर द इमोशनल सपोर्ट और अगर आप नोटिस करोगे कर तो आराध्या अभिषेक से भी उतना क्लोज नहीं लगती अभी जब आर्जी मूवी के शो अगस्या नंदा का डेब्यू हुआ था पूरी बच्चन फैमिली को मूवी के प्रीमियम पे एक साथ स्पॉट किया गया लेकिन वहाँ भी ऐश और आराध्या काफी डिस्टेंट लग रही थी आराध्या वॉज इवन डिस्टेंट फ्रॉम अ फादर तो इससे पता चलता है समथिंग इज रॉन्ग अब मैं ये नहीं बोल रही की ऐश्वर्या और अभिषेक का डिवोर्स हो जाएगा और समथिंग क्योंकि अगर आप देखो बच्चन फैमिली हमेशा एक परफेक्ट फैमिली का टैग लेके चलती है अमिताभ बच्चन के लिए अपना रेपुटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है इवन जब उनका और रेखा का अफेयर चल रहा था डिड नॉट डिस्ट जोयर टू मेंटेन इस फैमिली मैन इमे और स्वेता बच्चन भी अपने हस्बैंड सेपरेट से रहती है लेकिन उनका भी डिवोर्स नहीं हुआ तो बच्चन फैमिली डिवोर्स और कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहते हैं सो दे विल नॉट लेट ऐश्वर्या एंड अभिषेक डिवोर्स दट इजिली बट हो सकता है ऐश्वर्या उनसे अलग रहने लगे क्यूँकी आप ऑलरेडी नोटिस कर सकते हो ऐश्वर्या अब ज्यादातर अपने मदर के साथ रहती है इवन उनकी फिफ्टी बर्थडे भी उन्होंने अपने डॉटर और मदर के साथ सेलिब्रेट किया एटलीस्ट अभिषेक बच्चन को तो होना चाहिए था राइट तो इन सबसे पता चलता है दे आर नॉट इन गुड टर्म्स और अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन ने अपने जूहू के बंगलों को विच वर्थ फिफ्टी क्रोड दिवाली से पहले श्वेता को गिफ्ट कर दिया और इसे लेके भी काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी लोग कह रहे थे अमिताभ और जया बच्चन अपने डॉटर को लेके बहुत ज्यादा अबसिस्ट है की दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दियर सन और ऐश्वर्या भी इससे खुश नहीं थी बट ऑनेस्टली आई फील एज अ फादर वो अपने डॉटर को कुछ भी दे सकते हैं और मुझे नहीं लगता इट शुड बट ऐश्वर्या वो अपनी डॉटर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर भी सोचेंगी बट आई थिंक इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है जया और स्वेता का रूड एरोगेंट एंड डोमिनेटिंग बिहेवियर जिसके लिए ऐश्वर्या को उनके साथ रहने में प्रॉब्लम हो रही है सो दट वॉज इट फॉर टू डे योर थॉट ऑन दिस लेट मी नो इन द दमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग सी इन द नेक्स्ट टेक